हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल उधार क्यों नहीं देते हो? बोले गुरुजी, जब ग्राहक आता है तो गैया बनकर आता है, गाय बनकर, दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो, हम चुका देंगे, खा के तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है, और जब उधारी ले ले और दो तीन महीने चुकाने ना जाओ, और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है, हम खा के मर जाएंगे क्या? तुम्हारे 100 रुपया नहीं चुका पाएंगे, बड़ी आफत है। अरे दे देंगे, कौन सा खा के मर जाएंगे, 100 रुपया में कौन सा वो हो जाना है, दे देंगे। तुम रोज रोज आ जाते हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या? तो मित्र बोला, गुरुजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, कल तक जो गाय बना था वो आज शेर बन गया है, आदमी जवान का बहुत उल्टा हो गया है। बुरा ना मानिए, जिनकी जवान पक्की नहीं होती है उनका जीवन भी पक्का नहीं होता है। जवान के पक्के बनो, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही हो, रामायण हम हिंदुओं का आधार है। ए हा, ए हा, रघुकुल रीत सदा चलिया, वचन न जाए, ए हा, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। आदमी आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है, आदमी आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। ये आदमी ही है जो आदमी से कभी नहीं प्यार करता है। पीठ पीछे इतनी बुराइयां कि देखो तो तुम। अच्छा, आदमी की जबान का कोई कंट्रोल नहीं, जिसकी जबान का कंट्रोल नहीं, जीवन का क्या खाक होगा। एक आदमी बैलगाड़ी लेके जा रहा था, बैल कहीं चले गए, गाड़ी कहीं चली गई, एक्सीडेंट हो गया, हमें मिला, बोला गुरुजी नौकरी चाहिए। हमने कहा किसकी? बोले हम कार चला लेते हैं। हमने कहा जब तुमसे बैलगाड़ी संभलती नहीं है, कार क्या हलवा संभलेगा? अरे तुमसे बैलगाड़ी संभल नहीं रही, कार क्या खाक संभालोगे? ऐसे भी विचित्र लोग हैं। आदमी से जुबान संभलती नहीं, जीवन संभालने की बात करते हैं। जुबान बोलो, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम एक गाली भर बके तुम ही लोग बोतल उठा लोगे। जीवन क्या, आओ आओ, एक मिनट में गुस्सा आ जाएगी। एक आदमी गया, बोले वाह, आप कहते सीताराम 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 करो, सीताराम कहने से सीताराम थोड़ी आ जाते हैं, कहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिलता है? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलता, वैसे ही सीताराम सीताराम कहने से राम जी नहीं मिलते। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, बोले इधर आओ। बोले क्या? उन्होंने एक जोर का चांटा दिया ठटरी के बारे में। क्यों मारा? बोले क्या हुआ? अरे बोले दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? गाल पर दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। बोले दर्द दिखा थोड़ी सकते हैं, वो तो हो रहा है। महात्मा बोले जैसे तुम्हें दर्द हो रहा, तुम दर्द दिखा नहीं सकते, वैसे ही राम राम कहने से प्रभु आ जाते हैं, हम भी उनको दिखा नहीं सकते हैं। जैसे तुम गाल पर दर्द महसूस करते हो, वैसे ही राम राम कहने से हम राम जी को महसूस करते हैं। बोलो सीताराम।